शूट करने का बहुत मज़ा आया हमको। दुबई इतनी खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा घूमने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं रक्षाबंधन का शूट खत्म करके फ्लाइट पकड़ के दुबई पहुंचा। वहाँ मैंने एक दो घंटे में फ्रेश हुए एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग एंड वी वर ऑल ओवर द प्लेस। दुबई में जितनी खूबसूरत लोकेशन हमें मिल सकती थी हमने वो सब जगह पे जाके शूट किया है। टायरिंग था लेकिन मज़ा बहुत आया एंड पैकअप करते ही फ्लाइट पकड़ के आई वेंट बैक टू केम बैक टू मुंबई एंड यहाँ पे मेरा शूट रेडी था रक्षाबंधन का। तो आई वुड जस्ट से दिस कि जितनी मेहनत मैंने की इस सॉन्ग के लिए उससे ज़्यादा खूबसूरत ये गाना निकला है। आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई हैड सच अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस विद मी, सच एन अमेजिंग सिंगर हु सैंग दिस सॉन्ग एंड शूट करने में बहुत मज़ा आया। एंड वसीम भाई, वसीम अमरोही, आई थिंक इज़ अ वंडरफुल जेम ऑफ अ ह्यूमन बींग। मैं उनको पहले नहीं जानता था लेकिन जब हमारी बात हुई तो फ़ोन पे ही हमारी एक बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया और जब शूट किया साथ में तो एक बहुत गहरी दोस्ती हो गई जो आई थिंक लाइफ लॉन्ग चलेगी। कुछ भी आप बताइए, कैसा अनुभव था इस गाने का और आज लोग पसंद कर रहे हैं इस गाने को, तो कैसा लगता है? मैं तो मेरा एक्चुअली देखा जाए तो पहला सॉन्ग था दुबई में, तो आई वाज लिटिल नर्वस एंड या पहला सॉन्ग था दुबई में, दुबई में पहला सॉन्ग था मेरा, मेरा भी पहला सॉन्ग था और लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया जब मैं निशान से मिली। ही सुपर काम एंड यू नो ही सुपर एनर्जेटिक, इन्होंने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दी एंड सब एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे और पता ही नहीं चला मतलब पूरा दिन कैसे निकल गया। ऐसा लग रहा था एक घंटा ही हुआ है साथ में और पूरा 24 आई थिंक 18 आवर्स हमने शूट किया, 18 आवर्स और इतनी जल्दी चले गए और बहुत प्यारा शूट हुआ है एंड थैंक्स टू एवरीवन। सर, योर एक्सपीरियंस बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड अबाउट वसीम सर, हु हैज प्रोड्यूस्ड। एक्चुअली जब मैं गाना बना रहा था ये तब मुझे नहीं पता था कि ये गाना कहाँ जाएगा और कौन कौन कास्ट होगा, लेकिन जैसे पता चला कि रामजी भाई को ये गाना पसंद आया है, पंखा है, तो वैसे ही हमने तुरंत इस पर काम चालू किया एंड जैसे आप देख सकते हो वसीम भाई ने हमको इतना सपोर्ट किया है स्टार्ट से सुबह से लेके, वैसे ही रामजी भाई को आज हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे कि रामजी भाई यहाँ होते तो और माहौल और अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, वसीम भाई और रामजी भाई इन दोनों ने हमें बहुत सपोर्ट किया शूट के दौरान। सुबह सुबह 7 o'clock राइट, वी गॉट अप एट 5, वी गॉट रेडी बाय 6, तो सुबह सुबह उठे, रात को कोई सोए भी नहीं है सही से, लेकिन शूट बहुत बढ़िया तरीके से हुआ और गाना आपके सामने, आप लोगों को कैसा लगा आप बताइए। निशान एंड खुशबू इज द बैकबोन ऑफ द सॉन्ग एंड एवरी टाइम दे आर पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, आई कैन सी द कमेंट, यू नो इट इज मोर देन 10,000 कमेंट, मोर देन 1 lakh, 2 lakh लाइक्स ऑन एवरी पोस्ट वैन दे आर पुटिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड पीपल आर crazily, you know, crazily loving this song and especially on Instagram it is going very viral, all the reels are going in millions, you know, we have approx we are touching 3 million on YouTube also and I see in Dubai, you know, Dubai people are loving this song very much because we shot in Dubai and we have our own production house in Dubai. In each and every Indian Pakistani cafe this song is running, we have couple of reels also. We saw people are loving this song in India also and especially Nishant, you know, from the day first we thought through this song with Nishant and you know Dinesh bhai told me that the best guy for this song is Nishant Malkhani and then I called Nishant and I said that I want one day because he's super busy, he's shooting day and night and of course he is doing couple of more videos and music videos also. So I called him and I want to thank him that he has given me one my day pleasure, of this thing, you know. And Dubai is very hot, you know, nowadays, like so it was very difficult to dance all day, you know. If you see the video we shot in beautiful locations and where there's no shadow, you know. So for Khushbu and Nishan it was very difficult, but the combo of Khushbu and Nishan we are going to repeat very soon inshallah. We have a huge setup in Dubai and we are planning a number of songs, you know, with Ramji shooting every day there and now we are planning more than 100 songs this year. Let's see
what is going to happen, but we have 100 songs. हम दोनों कितने कर रहे हैं? 100% you are the beginning. 100 हम कर रहे हैं. You are the beginning. 100 song हम कर रहे हैं. हम तो टीवी भी छोड़ देते हैं. 100 song आने करते हैं. You are the beginning. You are the beginning. So you are going to be, of course, you are going to be major part. And again, I want to thank Meri Bandi and I want to thank all of you to come here and support. I can see at least 100 cameras here. I have no word for you guys, you know. Thank you very much. Thank you for showing so much of love. As an actor, music video का सबसे बड़ा USP क्या लगता है? As an actor, आपको क्या explore करने को मिलता है? Time कम होता है. What is the benefit of being part of a music video industry? देखो, हम लोग जब TV करते हैं ना, तो TV पे एक particular character आप, जैसे मैं रक्षाबंधन एक साल से कर रहा हूँ, गुड्डन मैंने 2 साल किया था, तो हम लोग एक ही चीज़ डे इन डे आउट करते रहते हैं. उसमें हम कोशिश करते हैं कि हर रोज़ कुछ नया ढूंढ लें, कुछ नया कर लें. लेकिन जब एक म्यूज़िक वीडियो आता है तो इट्स लाइक अ एब्सोल्यूट ब्रेक फॉर अस, इट्स अ रिफ्रेशिंग ब्रेक फॉर अस. ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो मुझे रीसेट कर देगा, और वो करने के बाद वापस अपने शो में आके ऐसा लगता है कि ओके, नाउ आई एम बैक, आई एम रिचार्ज. एंड दैट आई लव डूइंग म्यूज़िक वीडियो. आप देखेंगे मैं काफ़ी करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सेटअप होता है, जो जिस तरह के शॉट्स होते हैं, वो टीवी में करने को मिलते नहीं है. तो इन अ म्यूजिक वीडियो आई एक्सप्लोर अ लॉट मोर एज एन एक्टर देन आई कैन ऑन टीवी. एज एन आर्टिस्ट बहुत फ्रीडम मिलती है कि आप कोई भी मीडियम को एक्सप्लोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई बाउंडेशन है. तो उसके लिए बताइए कि आगे क्या करने वाले हैं बेसिकली एज एन एक्टर. लाइक आई सेड, टीवी तो खैर इट्स लाइक फैमिली, वो तो कभी नहीं छूटेगा, वो तो करते ही रहेंगे हम. बट वेब सीरीज जस्ट केम आउट रिसेंटली कॉल्ड शुभ मंगल में दंगल, दैट इज डूइंग अमेजिंग ऑन हंगामा प्ले एंड MX प्लेयर. उसके बाद मेरी बंदी इज अ सुपर सक्सेस, आई एम सो ब्लेस्ड फॉर दैट. और इसी तरह और भी कई गाने हैं जो धीरे धीरे आते रहेंगे. वसीम भाई ऑल्सो जस्ट मैंशन, वी आर प्लानिंग अ सॉन्ग वेरी सून एंड आई थिंक दैट्स गोना बी इवन बिगर देन मेरी बंदी. तो एज एन एक्टर आई थिंक अब इतने मीडियम्स खुल गए हैं ना, एंड इफ यू आर लव्ड बाय द ऑडियंस देन यू हैव सो मच वर्क टू डू, यू हैव सो मच ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड टू गेट टू डू सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. सो आई एंजॉय डूइंग एवरी काइंड ऑफ वर्क. सर, अबाउट यू, आज के टाइम में इंडिपेंडेंट म्यूजिक का कितना ज़्यादा स्कोप मानते हैं आप, और आगे चल के क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर होने वाला है? तो सर बहुत है इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए, क्योंकि म्यूजिक कभी रुकेगा नहीं, म्यूजिक और आते ही होगा, और उसके स्टाइल्स भी बदलते रहते हैं. बहुत सारे लोग वेस्टर्न म्यूजिक को बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे इंडियन म्यूजिक में बहुत कुछ है जो हम इसी को तोड़ मरोड़ के कुछ अपना एक यूनिक स्टाइल निकाल के ला सकते हैं. जैसे कि दिस इज इंडी पॉप ओनली, मेरी बंदी, बट उसको एक बंदी वाला टच देना, एक इंडियन लिरिक्स को लेके, और जो आजकल हो रहा है कोई इरिटेट कर दिया लेकिन फिर भी मेरी बंदी क्यों है पूरी दुनिया में, तो ये सब एक छोटा छोटा टच देने की कोशिश की है. तो आगे बहुत फ्यूचर बहुत अच्छा है म्यूज़िक का, इंडियन पॉप का स्पेशल. आई थिंक मेरी बंदी के जो लिरिक्स है ना, बहुत रिलेटेबल है. इरिटेट करती है, नकली रोती है, तंग करती है, जिद करती है, पर दुनिया में उससे क्यूट कोई नहीं है. इट्स लाइक अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग बट सेड इन अ वेरी लोकल लैंग्वेज जो अलग बच्चे भी समझ सकते हैं. इट्स फॉर ऑल एजेस, यू नो. सो आई थिंक इट्स अ वेरी रिलेटेबल सॉन्ग एंड दैट्स व्हाई इट्स डूइंग सच एन अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑन यूट्यूब. मैम, हाउ आर यू थिंक इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर योर करियर? एज सच, मैन, द सॉन्ग इज गुड, यू आर फीचरिंग विद निशांत, तो इज दैट अ टर्निंग पॉइंट फॉर योर करियर? आई एम ब्लेस्ड वर्किंग विद हिम, और मुझे लगता है कि इनकी वजह से इतना हाइक मिला है, बिकॉज इनकी फ़ैन फॉलोइंग, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है. एंड इनके बोल जो थे गाने के, लिरिक्स खासकर, वो आजकल जो चलते हैं ना रील पे, वो ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि लोगों को समझ आना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं. तो वो चीज़ सबको समझ आ रही है, छोटे बच्चे को भी समझ आ रही है, टीनेज को भी, बड़ों को भी, सबको समझ आ रही है. और मुझे लगता है इससे बहुत हाइक मिला है मुझे, और इंशाल्लाह फ्यूचर में तो और ज़्यादा, मतलब ये स्टार्टिंग बहुत ब्यूटीफुल है. You know, I personally, I'm into advertising and marketing since last 20 years, and I have done more than 100 films. You know, like I got BBC National Award for Pink and Nirja for the best marketing campaign, ACFS for Sachin, Dhoni, Padmavati, and many other awards. You know, like I have been associated in this industry, and my family is into Bollywood since last, you know, many years. So now Inking Idea is purely into technology and production and of course social media management. Under production, we are doing web series. We are doing, of course, we started song. We have done number of commercial ads for SBI and many other brands. So plans are big. We are going to produce films also. We have the line production team in India and in Dubai. Anybody who wants to shoot in Dubai, we have full team and we welcome them.
be any kind of support for Indian filmmaker in Dubai. We are there, and let's do the work. Let's do the work. Thank you. थैंक यू एवरीवन. इनके एक्टिंग स्किल्स एज अ पर्सन, पहले मेरी बंदी इसीलिए तो लेकर आया हूं मैं कि तारीफ करें मेरी. चल वैसे तो आप सबको पता है कि हमारे सुपरस्टार यहां पे बैठे हैं. नो ही इज अमेजिंग एंड बोथ ऑफ देम हैव डन अ गुड जॉब. दे लुकिंग अमेजिंग ऑन स्क्रीन. बहुत ही पेपिक गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने डे वन में बोल दिया था कि वेरी नाइस सॉन्ग एंड द लोकेशन. मैं सेट पे था, मैं सेट पे था जब ये गाना आया मेरे पास. तो हम लोग साथ बैठे थे, खाना खा रहे थे. मैंने कहा ये गाना आया सुन कैसा लग रहा है. तो शी हर्ड कि बहुत कैची है, ये पक्का हिट होगा. मैंने कहा तो मैं पक्का कर लेता हूँ फिर. थैंक यू. हो सकता है आपके कहने से हिट हो गया. आप दोनों से एक कॉमन सवाल ये है कि यू आर पार्ट ऑफ द टीवी इंडस्ट्री. आजकल सोशल मीडिया का यू नो रील्स बनते हैं और इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, तो कितना मानते हैं कि वो लॉजिकल है एज एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू? आप क्या? यार आई थिंक अब देखो जैसे जैसे सोशल मीडिया और डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया बढ़ती जा रही हैं, हर तरह के कॉन्टेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं. तो आई थिंक नया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे, लोग रील्स के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने आप को दुनिया के सामने अपने टैलेंट को दिखा पा रहे हैं. तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर तब बनता है जब उसकी फॉलोअरशिप बढ़ती है. फॉलोअरशिप कब बनती है? जब वो एक अच्छा टैलेंट दिखा पाते हैं, वो कुछ ऐसा कर पाते हैं जो ऑडियंस पसंद करती है. अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. वो टीवी पे हो, वेब पे हो, सोशल मीडिया पे हो, गानों में हो, हम क्रिएटिव वर्ल्ड में काम करते हैं. तो क्रिएटिवली अगर कोई रील्स बना के फेमस हो सकता है, तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ टैलेंट एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड. The best thing is, see, when we give auditions and stuff, we have a time slot. But reels वगैरह जो होती है वो minimum time के लिए होती है, और उसमें आप अगर कमाल कर सकते हो, it shows that you know within such short span of time you can create magic on screen, then you are a star overnight. So yeah. I think that's a very good platform. And for actors, people. I think actors who are doing well on TV, social media is a way where you can also be an influencer. Yeah. Like you can be an actor who has millions of followers. You know, she has more than a million. I also have a good followership. So it is just another way of us to show our talent in a different medium. And there are some special people like Khushbu who are doing very well only through reels. So I think it's a platform for everybody, and everybody can show their talent, and everybody deserves a thumbs up for that, a like for that. Thanks. All right. Are we done? Yeah, one on one. One on one, kar rahe hain.